कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बेना, ममता दीदी का खेला भी होए बेना। बात तय हो चुकी है, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया, इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी दो प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये दो ही चीज है, ये दो चीज है। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धरती पे क्या जो धान की पैदावार आप करते हो क्या खरीद हो रही है, क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है, क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी दुगनी हुई है। और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया, लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। भाई मैं तो खूब चिल्ला रहा हूं, आवाज जा रही होगी चलो समझ लोगे फेसबुक पे देख लेना बाद में। और आपका जोश तो बता रहा है, आप तो मन मना के ही आए हो, हाथ में भी गदा लिए आए हो। पार्टी का झंडा है, पार्टी की टोपी है, हाथ में गदा है, तुमसे कौन मुकाबला करेगा भाई। तुम्हारा तो काम हो रखा है पहले ही, 7 तारीख में आपको मतदान करना है। मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि सामने वाले मदारी हैं, मदारी बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और फिर उनके पीछे अंधभक्तों की टोली है, उनके नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्धि। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे, यहां सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है, गड्ढे हैं ना, लखनऊ में बैठ के कहते हैं गड्ढे भर दिए। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं ये गड्ढा 70 साल से तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है जनता के लिए। तो ये इनकी बात का तोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर ढूंढना होगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक दिन योगी जी को भी कंघा भेज देंगे। योगी जी का कंघा से क्या काम है, कोई काम नहीं, उन्हें भी कंघा भेज देंगे। तो बातों का तोड़ आपको ढूंढना होगा। और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं, बाबा जी तो मोगैम्बो वाले डायलॉग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी निकालनी है। यहां बनारस की प्रसिद्ध मिठाई है जो सर्दी में बनती है, मलोइया, क्या कहते हैं मलोइया, वो सर्दी के 2-3 महीने में मिलती है और वो ओस से बनती है, दूध होता है उसमें, पोषण होता है, और जब वो खाते हैं सर्दी में तो बदन को गर्मी मिलती है। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे, ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे, अगर आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अगर आप सहमत हो तो 10 तारीख को नतीजा निकलेगा, गोरखपुर एक अच्छा सा कंबल बना के उनको दे दूं, एक अच्छा कंबल खरीद दूं बाबा जी के लिए, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है, आज मैंने नया नाम दे दिया बाबा मोगैम्बो वाले। क्या है बाबा मोगैम्बो वाले? तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने यहां बच्चों ने?
देखी थी। ऐसा वोट दो 7 तारीख में, क्या आपका काम भी हो जा और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो। आवाज नहीं आ रही, माइक की दुरुस्त करना पड़ेगा, आवाज आगे नहीं आ रही, इसे दिखवा लो। मुद्दे आपको पता है, कानून व्यवस्था पे बड़ा दावा करते हैं। सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है तो जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं इनका भी ख्याल रखना होगा, जो सरकार के नौकर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनकी वर्दी की पहचान हो। अपने वर्दी के असूलों से, सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता ना करना पड़े, ईमानदारी से वो सेवा कर पाए। और मैं इन पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था, और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सख्त प्रशासन उन्होंने दिया। जनता को याद होगा जब चौधरी साहब को मौका आपने दिया था, एक बार संकट की घड़ी पैदा हुई, 27,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेखपालों की जब भर्ती की, कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग कह रहे थे दबाव बनाओ तो चौधरी साहब झुक जाएंगे, और इस क्षेत्र में उस समय की कहावत है चौधरी साहब को लेके कि चरण सिंह धान पछोरलन बिना टूट कूटले, चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी दहलन बिना पूछ ले। इसी क्षेत्र की कहावत है, हर 23 दिसंबर को जब अखबार पढ़ता हूं बनारस के अखबार में छापी जाती है। चौधरी चरण सिंह जी के उस शासन को याद करो, आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, करीब से देखे, आपने चौधरी अजीत सिंह जी देखे, आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, आपने अखिलेश यादव जी को अपने बीच देखा है, आज हम लोग सब आपके यहां आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे दोनों परिवार मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जब गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा, आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं, और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है, हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है, आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे, ताकि बड़ी संख्या में हमारे विधायक बने, बड़ी संख्या में हमारी सरकार ताकतवर बने, और हम किसान और मजलूम और गरीब शोषित वर्ग वंचित समाज के लिए काम करें। चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्श को जिंदा रखें, यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।